एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का वीडियो एक प्रोडक्ट रिव्यू होने वाला है। सो आज मैं एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ जिसे मैं काफी महीनों से यूज करती आ रही हूँ, एंड द प्रोडक्ट इज अमेजिंग। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। एंड ये प्रोडक्ट बॉम है, क्योंकि गाइज अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं सोचा क्यों ना आप सभी के साथ ये प्रोडक्ट शेयर किया जाए। आप मेकअप करने के शौकीन हो तो आपके पास ये प्रोडक्ट डेफिनेटली होना ही चाहिए। तो गाइज, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एलेगल का शिमर स्प्रे, फिनिशिंग स्प्रे फॉर फेस एंड बॉडी। गाइज, आप इसे बॉडी एंड फेस दोनों में यूज कर सकते हैं, और आप जैसे कि प्रोडक्ट को देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सो आप अंदाजा लगा सकते हो ये काफी टाइम से मैं यूज करती आ रही हूँ। एंड गाइज, जो भी मैं आप सभी के साथ प्रोडक्ट शेयर करती उसे मैं पहले बहुत अच्छे तरीके से यूज कर लेती हूँ। अगर वो मुझे पसंद आता है तो ही मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, वरना मैं प्रोडक्ट बहुत सारे यूज करती हूँ, अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करती हूँ, बट मैं आप सभी के साथ वो ही शेयर करूंगी जो आपके लिए एक्चुअल में यूजफुल हो। गाइस, ये प्रोडक्ट नो डाउट अमेजिंग है, बट कोई भी अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उसके नुकसान और फायदे दोनों होते हैं, तो वैसे ही प्रोडक्ट के फायदे भी है नुकसान भी है। तो इस वीडियो में आज मैं यही सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर करूंगी, एंड इसे यूज करने का जो सही तरीका है वो इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। कि ये प्रोडक्ट गाइज मैंने पर्पल से परचेस किया था, एंड गाइज इस प्रोडक्ट को लेते टाइम मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि ये पूरा लिक्विड है। सो ये किस तरह वर्क करेगा मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, एंड ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, और जब मैंने इसे लिया था तो अराउंड 1100 ऐसा कुछ था, बट अभी इसका प्राइस जो है 935-940 ऐसा कुछ इसका अभी प्राइस है पर्पल में। सो बहुत अच्छी डील है, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो आप परचेस कर सकते हो। इसमें दिया है ये फिनिशिंग स्प्रे है, जब आप अपना मेकअप पूरा कंप्लीट करते हो उसके बाद इस स्प्रे को आप अप्लाई कर सकते हो, बट जब आप अपना स्किन केयर करते हो तो स्किन केयर करते टाइम भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। मैं इसे यूज करती हूँ जब मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट होता है, मैं इसे तब यूज करती हूँ, क्योंकि इसमें एक्वा वाटर है, और जब हमारा मेकअप कंप्लीट होता है उसके बाद जब मैं इसे यूज करती हूँ तो वो जो वाटर होता है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, या पूरा उड़ जाता है, या पूरा ड्राई हो जाता है, और उसके बाद जो हमारा फेस में ग्लो आता है वो बहुत अच्छा ग्लो आता है। बहुत लोगों को ये स्प्रे यूज करना नहीं आता है। फर्स्ट टाइम जब मैंने भी ली थी इसे, तो मैं इसके बारे में बहुत सारा मतलब नॉलेज ली थी, या इसके बारे में बहुत सारी मैंने डिटेल्स निकाली थी, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज ली थी, उसके बाद ही मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया था। सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो चीज मैंने गलती करी हो वो आप ना करें बिल्कुल भी। तो कई लोग होते हैं बात करते करते स्प्रे को यूज करते हैं, या प्रोडक्ट के बारे में आप सभी को बताते हैं तो बात करते करते ही स्प्रे को यूज करते हैं, तो गाइज ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इसमें जो ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट है वो हमारे माउथ में नहीं जाना चाहिए, या आग के अंदर नहीं जाना चाहिए, और इस स्प्रे में बहुत सारे शिमर पार्टिकल्स है जो हमारे आईज में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, एंड आपको बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। सिर्फ ये प्रोडक्ट नहीं, आपको सारे जो मेकअप के प्रोडक्ट है आपको बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारे आंखों को हार्म कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि आपको इसे रेफ्रिजरेटर या कोई कूल प्लेस में रखना है, ड्राई प्लेस में रखना है, उसका भी एक फायदा ये है कि जब वो स्प्रे आपके फेस में लगेगा तो वो आपके फेस को एक कूलिंग इफेक्ट देगा और आपके फेस को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा। तीसरी बात ये कि जब भी आपको लगे कि आपके फेस में इसको लगाने के बाद इरिटेशन हो रहा है तो आपको इमिडिएटली इसे बंद कर देना है प्रोडक्ट को, क्योंकि काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं जो हर किसी को सूट नहीं होते हैं, और हर किसी की स्किन टाइप जो होती है वो अलग अलग होती है, तो हर किसी को जरूरी नहीं कि जो चीज मुझे सूट हो रहा है वही चीज आपको भी सूट हो। तो आपको फर्स्ट इस प्रोडक्ट को यूज करना है अगर आपके फेस में बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, इरिटेशन इन द सेंस कि अगर आपके फेस में इचिंग हो रही है या आपको बहुत ज्यादा फेस में जलन हो रही है तो आपको इमिडिएटली इस प्रोडक्ट को बंद कर देना है, यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो चीज आपको नुकसान करता है वो आप जबरदस्ती यूज करके आपको कोई भी मतलब नहीं है। सो ये बात तो हो गई कि इस प्रोडक्ट से क्या नुकसान हो सकते हैं, अब बात आती है कि इस प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं, और अगर हम इसे अपने मेकअप किट में इंक्लूड करते हैं तो हमारा क्या फायदा होने वाला है। जैसे कि गाइस हम मेकअप करते हैं तो मेकअप करने के बाद जब हम पूरा फेस सेट कर देते हैं, सेट करने के बाद गाइस हमारा फेस जो होता है हल्का ड्राई लगने लगता है। सो अगर आप अपने पूरे फेस में एक हल्का सा ग्लो देखना चाहते हो तो ये स्प्रे आप पूरे फेस में
स्प्रे कर लो। सीरियसली लास्ट में जब आप अपना फिनिश लुक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सिर्फ मेरा रिव्यू नहीं है, मेरी सिस्टर भी इसे यूज करती है और उसका भी यही कहना है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है एंड इसे मैं डेफिनेटली दोबारा फिर से बाय करना चाहूंगी। गाइज अभी बीच में जितनी भी वेडिंग्स आई है सारी वेडिंग्स में मैंने इस प्रोडक्ट को यूज करी हूँ और जितनी भी उस वेडिंग की पिक्चर्स है उसमें फेस इतना ज्यादा ग्लो कर रहा है, ऐसा लग रहा था कि फेस में स्वेट है बट नहीं, फेस में बिल्कुल भी स्वेट नहीं था, फेस पूरा सटल था, मेकअप पूरा सटल था बट फेस दूर से बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था। इसलिए गाइज मैंने ना काफी सारे प्रोडक्ट अलग अलग ट्राई करी हूँ क्योंकि मुझे इस तरह का ग्लोई जो फेस होता है ना बहुत अच्छा लगता है। फाइनली मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया और इसे बहुत ओवर भी नहीं यूज करना है। आगे वीडियो में मैं आपको इसे किस तरीके से प्रॉपर यूज करना चाहिए वो भी बताऊंगी, बट इसे लेने के गाइज बहुत सारे फायदे हैं और जब आप इसे यूज करोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। एंड गाइज जो शिमर स्प्रे है ये गोल्ड है, इसमें एक और ऑप्शन आता है बट अगर आपकी फेयर स्किन टोन है तो आप गोल्ड ही परचेस करिए। गोल्ड मैंने अपने स्किन के हिसाब से लिया है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा डल भी नहीं है, बहुत ज्यादा फेयर भी नहीं है, तो मेरी स्किन जो है मीडियम स्किन टोन है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर गोल्ड लिया है और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे स्किन के अकॉर्डिंग ही रहेंगे, मतलब हमारे फेस का जो कलर है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे। तो जब भी आप इसे लेते हो तो आपके फेस के अकॉर्डिंग लो कि आपका कौन सा टेक्सचर है। यहाँ पर मेरे स्किन के हिसाब से मैंने गोल्ड लिया है तो अगर आप मेरे स्किन के हिसाब से हो तो आप भी गोल्ड परचेस कर सकते हो। सो गाइज अब बात आती है इसे यूज कैसे करने की। गाइज वैसे तो इसे यूज करना बहुत आसान है, इसे रिमूव करे और स्प्रे कर लिए, दैट्स इट। बट गाइज इसे सही तरीके से कैसे यूज करना है, जब भी आप इसे यूज करते हो तो इसे अच्छे तरीके से आपको शेक करना है और शेक करने के बाद आप जब देखोगे तो इसके जो पार्टिकल्स है अच्छे तरीके से वो एक्वा वाटर में मिक्स हो जाते हैं। सी एक्वा वाटर में अच्छे तरीके से मिक्स होने के बाद इसे हमें स्प्रे करना है। बट गाइज आप अपना जो माउथ है एंड आईज है उसे क्लोज रखना है एंड आप इसे ड्राई होने तक रखना है आपको, या आप फैन के नीचे भी जा सकते हो। गाइज जब भी आप इसे लगाते हो ना तो आपको सिर्फ एक ही स्प्रे देना है, मतलब पूरे फेस में एक या दो स्प्रे देना है, उससे ज्यादा आपको स्प्रे नहीं देना है, अदरवाइज आपका जो फेस है वो बहुत ही बेकार लग सकता है। क्योंकि गाइज मैंने ऐसा कर चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि इसे बहुत ज्यादा स्प्रे करने से फेस में बहुत ज्यादा ग्लो आता है, बहुत ज्यादा मतलब फेस चमकने लगता है, बट गाइज जब मैंने इसे ओवर जब लगा ली थी फेस में तो फेस में जो इसके पार्टिकल्स है पूरे दिख रहे थे और वो बहुत ही भद्दा लग रहा था। इस वजह से आपको इसे बहुत ज्यादा स्प्रे फेस में नहीं करना है। सो गाइज ये है एलेगल का शिमर स्प्रे। फर्स्ट आपको शेक करना है, देन पूरे फेस में स्प्रे कर लेना है, देन इसके बाद आपको ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद आप देख सकते हो, आप क्लियरली देख सकते हो मेरे फेस में इतना प्यारा ग्लो आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही इस प्रोडक्ट को परचेस किया है, सो इसके पार्टिकल्स भी मेरे स्किन के अकॉर्डिंग ही है। सो आप देख सकते हो कि पार्टिकल्स बिल्कुल भी ओवर नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल भी मेरे स्किन से अलग नहीं लग रहे हैं, पूरे स्किन में मैच हो रहा है, फेस में बिल्कुल भी स्वेट नहीं है अभी। और जब मैंने इसे स्प्रे किया उसके बाद आप फेस को देख सकते हो, सो हाइलाइटर का ही काम करता है ये, फेस को ग्लो कर देता है। अगर आप ऑफ शोल्डर टॉप पहनते हो या ऑफ शोल्डर आप कोई भी ड्रेस पहनते हो तो आप पूरे अपने शोल्डर में या बॉडी में इसे स्प्रे कर सकते हो, आपकी जो बॉडी है वो फेस की तरह, जैसे मेरा अभी फेस है उसी की तरह ग्लो करेंगी और ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में आपने कोई बॉडी पॉलिशिंग करवाई हो या बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा का कुछ करवाए हो, आपको वैसा ही फिनिश लुक देगा। सो गाइस देखा आपने प्रोडक्ट कितना ज्यादा अमेजिंग है और अभी तक मेरे फेस में ग्लो है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, जब तक आपका फेस में मेकअप है, जब तक आप खुद से मेकअप को रिमूव नहीं करते हो तब तक ये पूरा ग्लो एज इट इज ऐसा ही रहेगा जैसा आप अभी देख रहे हो, मतलब ये लास्टिंग भी है। एंड गाइज इस प्रोडक्ट से मेरे फेस में बिल्कुल भी मुझे इरिटेशन नहीं हुई है, बट इन केस अगर आपके फेस में इरिटेशन होती है या आपके आंखों में भी जलन होती है या फेस में इचिंगनेस कुछ भी अगर आपके फेस में लगता है तो आपको तुरंत फेस वॉश कर लेना है एंड दोबारा इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करना है। सो गाइस इस प्रोडक्ट का रिव्यू मैंने इसीलिए अभी शेयर किया क्योंकि अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट हो रहे है, सो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ये प्रोडक्ट। सो अगर आप इस प्रोडक्ट को लेते हो तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। एंड या दैट्स इट, आई होप आपके लिए रिव्यू हेल्पफुल होगा एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइज मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।